नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। स्वागत है आपका मेरे चैनल के एक और वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को भगवान जगन्नाथ जी के उड़ीसा में स्थित पुरी में होने वाले रथ यात्रा को लेकर के दूंगा संपूर्ण जानकारी। इस प्रसिद्ध रथ यात्रा में शामिल होने के लिए आपको किन किन बातों का रखना होगा ध्यान, तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों, उड़ीसा राज्य का पुरी एक धार्मिक नगरी है और देश के चार धामों में से एक धाम पुरी धाम है। और दोस्तों, यहाँ पे भगवान विष्णु के आठवें अवतार श्री कृष्ण जी, जो कि जगन्नाथ भगवान के रूप में यहाँ पे विराजमान हैं, और उनके साथ उनके बड़े भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा, ये तीनों इस प्रसिद्ध मंदिर में विराजमान है। और यहाँ पे दोस्तों हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जाती है। और इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए पूरे देश विदेश से लोग यहां पे आते हैं। दोस्तों, इस दौरान पुरी में बहुत ही ज्यादा भीड़ हो जाती है और लोगों की आस्था का एक हुजूम यहां पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर रथ यात्रा की बात करें तो ये प्रसिद्ध रथ यात्रा 10 दिनों का होता है, जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ और उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा, ये तीनों रथ पर सवार होकर के 10 दिनों के लिए अपने मौसी के घर गुडुंजा मंदिर में अपने मौसी के घर जाते हैं। ये रथ यात्रा दोस्तों 10 दिनों की होती है और 11वें दिन भगवान श्री जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा, ये तीनों रथ यात्रा को वापस अपने मंदिर को और लेकर के आते हैं और इस भव्य रथ यात्रा का समापन होता है। तो दोस्तों, इस बार 2024 में 7 जुलाई को ये भव्य रथ यात्रा का आयोजन होना है, जिसके लिए लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और अगर आप पहुँचना चाहते हैं तो दोस्तों, इसके लिए यहाँ पे मंदिर प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है और कोई रोक टोक नहीं है। आप बेझिझक यहाँ मंदिर में आ सकते हैं, बस आपको ये मंदिर के लिए पुरी में पहुंचना पड़ेगा। और दोस्तों, पुरी कैसे पहुंचे, तो पुरी दोस्तों हमारे देश से पूरी तरह से कनेक्टेड है। अगर आप फ्लाइट के माध्यम से आते हैं तो पास में ही उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है, जहां का बिजू पटनायक एयरपोर्ट है, वहां पे आप डायरेक्ट फ्लाइट की कनेक्टिविटी कर बस या कैब के माध्यम से पुरी पहुंच सकते हैं। और दोस्तों, अगर ट्रेन से आते हैं तो ट्रेन भी दोस्तों दिल्ली से काफी सारी स्पेशल ट्रेनें हैं और भी बहुत सी ट्रेन हैं जगह जगह के रूट से जो डायरेक्ट पुरी आती है, वहां पहुंच करके आप इस प्रसिद्ध रथ यात्रा में शामिल हो सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर आ रहे हैं आप तो किन किन चार चीजों का विशेष ध्यान रखना है तो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों आने से पहले ही अपने होटल्स की बुकिंग कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रथ यात्रा के दौरान इतनी भीड़ हो जाती है कि रूम मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो फिर ऐसे में आप ठहरेंगे कहाँ, आपके ठहरने का संकट पैदा हो जाएगा। तो दोस्तों, पहले से बुकिंग कर लेंगे तो टेंशन फ्री रहेंगे और टिकट्स भी अपने बुक करा लीजिएगा एडवांस में, क्योंकि इतनी वेटिंग हो जाती है, आपको कंफर्म सीट मिल नहीं पाएगी, बहुत दिक्कत होगी आपको यहाँ पहुंचने में। और उसके बाद दोस्तों, अगर साथ में पूरा परिवार आ रहा है, बड़े हैं, बच्चे हैं, तो उनकी जरूरत का चीज ले लीजिएगा, जैसे कि मौसम के हिसाब से कपड़े ले लीजिएगा, और बुजुर्ग है तो उनके लिए दवाई ले लीजिएगा, क्योंकि रथ यात्रा के दौरान भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि आपको जाने में असुविधा हो सकती है, डॉक्टर के पास या फिर कोई भी चीज के लिए बहुत दिक्कत हो सकती है, भीड़ बहुत ज्यादा होती है। तो दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को भगवान जगन्नाथ जी के पुरी में होने वाले रथ यात्रा को लेकर के दी जानकारी। आप यहाँ आइए और स्वागत करती है आपका मंदिर प्रशासन। मंदिर की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइन और कोई ऐसे नियम नहीं है कि आप आए तो आपको कानून के तहत कुछ रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, आप आइए भगवान जगन्नाथ के इस प्रसिद्ध रथ यात्रा में शामिल होइए और भगवान का आशीर्वाद लीजिए। तो इन्हीं सब चीजों के साथ दोस्तों करते हैं यहाँ पे वीडियो को समाप्त और मिलते हैं दोस्तों अपने किसी और अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल दिल से लाइक करें पर, और नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त। नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ।